हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल सरकार और आप सभी का स्वागत है विशाल डिजिटल के एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं डीप वेब को सर्फ करके दिखाऊँगा और देखेंगे कुछ वेबसाइट्स, कुछ विज़िट करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे डीप वेब को, देखेंगे वो दुनिया कैसा है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा। पहले बता दूँ कि ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप जान लें कि डीप वेब, डार्क वेब ये सभी क्या होता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बहुत दिनों पहले ही मैंने बना दिया था, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। पहले तो वो देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इस वीडियो में हम कुछ देखेंगे कि किस तरीके से आपको डीप वेब सर्फ करना होता है और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको परखनी होती है अगर आप डीप वेब में जा रहे हैं। तो पहले मैं बता दूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप सभी डीप वेब, डार्क वेब इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये आपको बाद में मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि डीप वेब में जाने से पहले आप सभी को पहले एक VPN का इस्तेमाल करना ही होगा। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिस्टम ट्रे पर मेरा एक VPN चल रहा है, प्रोटॉन VPN, बहुत ही अच्छा VPN है, पेड VPN है बेसिकली। ये देखिए, यहाँ पर अभी डिस्कनेक्ट दिखा रहा है, मतलब कनेक्टेड है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से मेरा VPN कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम ओपन कर लेते हैं टॉर ब्राउज़र को। ध्यान में रखिए कि टॉर ब्राउज़र आपको नॉर्मल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, मतलब उनका एक वेबसाइट है torproject.org, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो आप किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एस्टैब्लिशिंग जो है टॉर सर्किट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊँगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आपको बताना है। देखिए, ये जो टॉर ब्राउज़र खोलने के बाद ये जो विंडो आएगा, डिफ़ॉल्ट साइज़ जो विंडो ये देगा अपने आप बना के, आपको इसी के साथ काम करना है। ठीक है, वो फुल स्क्रीन नहीं करना है या फिर यहाँ से बड़ा छोटा नहीं करना है। क्यों, बता देता हूँ। देखिए, आपका जो विंडो साइज़ है, ये जो विंडो साइज़ है चारों तरफ, ये जो विंडो साइज़ है, तो इसका इस्तेमाल करके आपका जो आइडेंटिटी है वो पता लगाया जा सकता है या फिर आपको ट्रेस किया जा सकता है। तो इस वजह से आपको ये इस विंडो साइज़ के साथ काम करना है। देखिए, ये जो टॉर ब्राउज़र है ये एक अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि ऐसा नहीं दिखता था पहले, अभी इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है इसको और एडवांस बनाया है। तो पहले जब आप इसको फुल स्क्रीन करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको नहीं करना है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा यहाँ पर बड़ा सिक्योरिटी है। देखिए, जब आप इसको फुल स्क्रीन करते हैं, मतलब करते थे पहले की वर्जन में, जो टॉर ब्राउज़र का जो पहला वर्जन था उसमें जब आप करते थे, तो यहाँ पर आपको एक नोटिस दिखाया जाता था जिसमें लिखा होता था कि वार्निंग, कि आपको इस विंडो को छेड़खानी नहीं करना है विंडो के साथ, क्योंकि आपका मतलब आपको ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर जब फुल स्क्रीन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर चारों तरफ एक वाइट बॉर्डर आ जाता है, जिससे कि मेरा असली विंडो साइज़ का पता नहीं चलता है। ये एक अच्छी बात है, उन लोगों ने शायद ये अपडेट करके किया है नया वर्जन के साथ। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के लिए मैं इसको फुल स्क्रीन नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करूँगा, नॉर्मल ऐसे डिफ़ॉल्ट साइज्ड विंडो में। तो चलिए, यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डीप वेब लिंक्स। कुछ लिंक्स यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि हम सब कभी भी नहीं गए हैं डीप वेब पे, ऐसा मान के चलते हैं, तो किसी को भी कोई भी वेबसाइट्स के बारे में नहीं पता होगा। तो यहाँ से हम डीप वेब के कुछ लिंक्स, कुछ वेबसाइट्स को देखेंगे और वहाँ पर हम जाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक वेबसाइट आया है deepweblinks.onion। याद है मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्किट क्या है, सर्किट क्या है मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टॉर सर्किट लिखा हुआ है और यहाँ पर पूरा सर्किट बना हुआ है। बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, यहाँ पर एक सर्किट तैयार हुआ है जहाँ पर पहले लिखा है यहाँ पर दिस ब्राउज़र, मतलब कि इस ब्राउज़र से होके ये गया है जर्मनी पे। जर्मनी में देख सकते हैं यहाँ पर आप IP एड्रेस बदल गया है, ठीक है, नया IP हो गया है।
तो जर्मनी से होके फिर ये गया फ्रांस में, फ्रांस में एक और आईपी एड्रेस बन गया। फ्रांस से होकर फिर ये आया है यूनाइटेड किंगडम पे, यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर एक और आईपी एड्रेस है, और यहाँ से फिर होके आया duckduckgo.com जो कि ये सर्च इंजिन है। ठीक है, तो ये टॉर सर्किट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मज़ा आता है देखने में। अगर आप यहाँ पर नया सर्किट तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू सर्किट फॉर दिस साइट, तो ये पेज दोबारा लोड होगा और नया सर्किट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, अभी ये लोड हो रहा है। देखिए duckduckgo ये वेबसाइट में फिर से आ गया, देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है सर्किट, पहले यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम था, यहाँ पर फ्रांस था, लेकिन अभी नया सर्किट बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से जाएंगे डीप वेब लिंक्स, कुछ डीप वेब लिंक्स हम देखेंगे और उनको विजिट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि वो लीगल है, ठीक है, इलीगल ना हो, क्योंकि इलीगल चीज़ों को मैं भी यहाँ पर बढ़ावा नहीं देता हूँ। चलिए यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, डॉट अनियन साइट्स, जैसे सरफेस वेब में होता है ना डॉट कॉम डॉट इन और ये जो होते हैं, यहाँ पर डॉट अनियन होता है, डॉट अनियन साइट्स, तो ये सिर्फ आपको यहीं ये मतलब टॉर ब्राउज़र से ही उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी आप वेबसाइट्स देखेंगे सारे के सारे डॉट अनियन। अब देखिए यहाँ पर लिखा है duckduckgo सर्च इंजिन का, ये हिडन सर्विस लिस्ट एंड सर्च इंजिन, ये सब का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ऑटोमेटेड पे पाल एंड क्रेडिट कार्ड स्टोर, आप यहाँ पर से मतलब किसी का बनाया मतलब कि जो किसी ने बनाए हैं पहले से पेपाल अकाउंट, नेटफ्लिक्स अकाउंट, स्पॉटिफाई अकाउंट, किसी का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, वो सब यहाँ पर बेचा जाता है, वो सब मतलब लोग खरीदते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आप। और भी कई सारी गलत चीज़ें होता है, जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं UK गन्स एंड एमओ, तो यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, यहाँ पर हथियार लोग खरीदते हैं, और यहाँ पर हिटमैन हायर करना, हैकर हायर करना, ये सब यहाँ पर आम बात है। ठीक है, उन सब चीज़ों से आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना है। जैसे कि इस लिंक पे मैं अभी क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि ये गन्स एमओ इन सब का चीज़ है जिस पे हम नहीं जाएंगे। देखिए हैकिंटॉश इन सब का यहाँ पर लिंक है, हैकिंटॉश अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। हैकिंटॉश एक बहुत ही यू नो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए सैमसंग स्टोर, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, UK पासपोर्ट्स, आपको यहाँ पर बने बनाया पासपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये सब इलीगल चीज़ें हैं, फेक ID स्टोर, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ID वगैरह खरीदना ये सब लोग करते हैं। देखिए ड्रग मार्केट, इन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, अगर हो सके तो मैं यहाँ पर इन सबको ब्लर कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यूअर इससे प्रेरित होकर जाता है इन सब चीज़ों पर और वो फंस जाता है, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा, इसीलिए मैं इन सबको यहाँ पर साइट में ब्लर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स है, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इसको लेकर, लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया, यूट्यूब का मानना है कि कुछ उसमें मैं हालांकि उन सभी लिंक्स को मैंने ब्लर कर दिया था, लेकिन फिर भी यूट्यूब ने जो ठीक सोचा तो वो किया, तो इस बार मैं ध्यान रखूँगा और थोड़ा सा सावधानी पर रख के मैं आपको ये सब चीज़ दिखाऊँ। देखिए चलिए यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, कि कुछ कम्युनिटी वाली चीज़ें जहाँ पर लोग बातचीत करते हैं या फिर चैट रूम जिसको कहते हैं, कुछ देख लेते हैं हम यहाँ पर, कुछ और ट्राई करते हैं। डीप वेब कम्युनिटी देखते हैं यहाँ पर, चलिए लोग बातचीत करते हैं क्या करते हैं हम देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, जैसे ये देखिए 10 बेस्ट डीप वेब हैकर फोरम्स, चलिए जाके इसमें देखते हैं। डीप वेब कम्युनिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और दूसरी भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि मुझे समझ में नहीं आएगा, ये देखिए 7 चक्रा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें भी है, कुछ दूसरी भाषा में लिखा हुआ है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल, देखते हैं हम यहाँ से भाषा को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं, चेंज नहीं कर सकते। टेन बेस्ट डीप वेब हैकर फोरम्स, चलिए देख लेते हैं इसमें जाके,
हैकर फॉर हायर इज अनदर, चलिए देखते हैं जाके। लेकिन हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे ये इलीगल हो जाए। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको किस तरीके से सावधानी पर रखनी है। टॉर ब्राउज़र यूज़ कीजिए, VPN यूज़ कीजिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा है तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए चैट रूम, फ्री चैट रूम, फ्री ऑनलाइन चैट विथ नो रजिस्ट्रेशन, चलिए इसमें चलते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। अगर ये वीडियो थोड़ा और लंबा होता है तो मैं इसको कट कर दूंगा, और हो सके अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं पार्ट टू भी लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर है चैट विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो चलिए एक बार करके देखते हैं। यूज़र नेम हम यहाँ पर कुछ और डालेंगे, पबजी लवर 121। ओके, मेल सिलेक्टेड है, एज यहाँ पर हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। यूज़र नेम फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट 12 कैरेक्टर्स इन लेंथ, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेस को घटा देते हैं। चलिए एज यहाँ पर हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, आई एम नॉट ए रोबोट, ये जैसा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं और स्टार्ट करते हैं चैट। अच्छा तो यहाँ पर क्रॉस वॉक्स, ओके वेरीफाई करना होगा हमें, अरे सॉरी ये क्रॉस वॉक नहीं था। तो ये हो गया है, बहुत लंबा प्रोसीजर था, तो चलिए यहाँ पर करते हैं स्टार्ट चैट नाउ। देखते हैं यहाँ पर लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो 3133 यूज़र्स अभी फ़िलहाल ऑनलाइन हैं। वेलकम पबजी लवर 121 अमंग अस, ओके चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। चैट रूम, सिंगल चैट रूम डेटिंग, चलिए यहाँ पर कॉलेज चैट रूम में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर बहुत लोग एक साथ कर रहे हैं चैट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हे एवरीवन। तो बहुत लोग हैं अभी भी जो मतलब डीप वेब, डार्क वेब, ये सब सर्फ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनाडा और डेनमार्क, इन सब जगह से लोग हैं। यहाँ पर देखिए इंडिया में भी बहुत सारे यूज़र हैं फ़िलहाल, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र इंडिया से है, केरला इंडिया, तमिलनाडु इंडिया, दिल्ली, दिल्ली से बहुत लोग हैं यहाँ पर। देखिए तो ठीक है, यहाँ पर अभी कोई फ़िलहाल रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो हम कोई और चैट रूम में जाके देखते हैं। मोबाइल चैट रूम, देखिए यहाँ पर इंडिया से बहुत लोग हैं, दिल्ली से, केरला, गुजरात से, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से एग्जिट करते हैं और कुछ और देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और डीप वेब वेबसाइट्स। चलिए इसमें देखते हैं 20 क्रीपी वेबसाइट्स यू वोंट बिलीव, देखते हैं क्या है यहाँ पर। रेड रूम, हाँ तो इन सब चीज़ों पे हम सबको नहीं जाना है, ऑब्वियसली बात है। आपको पता है रेड रूम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर खुलेआम लोगों का मर्डर या फिर ये सब किया जाता है, जो मैं अभी विस्तार से नहीं बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर जो है लिंक को ब्लर कर दूँगा। देखिए यहाँ पर है ये सब, और हैकर्स पे, हायर हैकर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि है। नंबर स्टेशन क्या है मुझे नहीं पता, सेंटिमेंटल कॉर्प, बहुत सारी चीज़ें हैं, समन डेमन्स, इल्यूमिनाटी, और इन सबको बढ़ावा देने वाले सारे काम यहाँ पर ही होते हैं डीप वेब वगैरह में। डेड बेबीज़,
देखिए ये सब घटिया चीज़ें हैं, ठीक है, तो इन सब पे आपको नहीं आना है। मैं यहाँ पर ब्लर कर दूंगा ये सब चीज़ें। क्रीपी पास्ता, वेल द नेम एक्सप्लेन्स इटसेल्फ डजंट इट, ऑल्दो नो यू कांट ऑर्डर पास्ता देयर, इंस्टेड इट्स अ साइट फॉर स्टोरीज। व्हाइट एनिमल, बेस्ट कोर। देखिए यहाँ पर एक सेंसिटिव इमेज है, तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। सेंसिटिव इमेज है, बहुत ही ख़राब इमेज है यहाँ पर। घोस्ट आयलैंड ऑफ जापान, तो जितने भी ख़राब चीज़ें हैं ये यहाँ पर होते हैं, साथ में आप कुछ सीख भी सकते हैं यहाँ पर। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर आए, और आप सीखना चाहते हैं कि सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है, और कुछ देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप आ सकते हैं। आपको सावधानी परखनी होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर से बताऊँगा कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ये सब करना, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। इतना ख़तरनाक चीज़ है ये सब, अगर आपको बिल्कुल भी इस सब के बारे में नहीं पता है तो। सर्विस द आउटब्रेक, तो कुछ चीज़ें हैं। द हाउस टू द सेल, देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर हम नहीं जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का ये वीडियो यहाँ तक ही छोड़ दूँ। अगर आपको कुछ और देखना है, अगर आप थोड़ा सा कुछ और सजेशन दे सकते कि कैसी कैसी वेबसाइट्स मुझे और विज़िट करना चाहिए, मेक श्योर कि वो लीगल हो। कुछ सीखना चाहते हैं तो कुछ ऐसी वेबसाइट है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको सर्च करके दिखाऊँ, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मेक श्योर कि वो मतलब लीगल हो, मैं बार बार बता रहा हूँ कि लीगल चीज़ें मत दीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी दिखाइए जिनको इन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए, जिससे ये होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा या फिर अगर मैं इसका भी पार्ट टू डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, क्या सर्व करना है मुझे आगे बता देना कमेंट में। थैंक यू सो मच।